महक। आज इनका तिरंगा चलेगा और हमारा झंडा फहराएगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा। ये मिशन हमारी मौत नहीं, मकसद है। तुम शहीद होगी नलिनी। हम जरूर जीतेंगे भाईजान, और हम इस मकसद को पूरा भी करेंगे। शौर्य, ये चोरी छुपे टेंट के पीछे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कुछ चिल्ला रहा जैसे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला हो। बॉम्ब? एक घंटा दूर। यहाँ तिरंगा लहराएगा और फिर होगा एक धमाका। चीखे उठेगा, खून बहेगा, हवा में बारूद तैरेगा। भाईजान, मैं जैकेट लेके बाथरूम में गई थी पहनने के लिए, पर जब मैं जैकेट पहन के वहां से बाहर निकलना चाहती थी तब बाथरूम लॉक हो गया था। लॉक था या खुद लॉक कर लिया अपने अंजाम से घबरा कर? कायर, भाईजान खुदा जानता तेरी नियत पाक है, मकसद को कामयाब करने के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगी। लेकिन तुमने मौका गवा दिया मकसद पूरा करने का। तेरे जीने की चाह और मौत के डर ने हमें हरा दिया। तेरी कमजोरी हमारी हार है, हमारी अब्बा जान की और हमारे लोगों की। मैं मौत से नहीं डरती भाईजान। बाथरूम से बाहर निकलने के लिए मैंने खिड़की से आवाज भी दी और तभी मैंने वेन्यू के अंदर शौर्य को देखा। भाईजान, मैं तो वहां से जल्द निकलना चाहती थी ताकि आपको मैं इत्तला कर दूं। मेरा यकीन करिए। इसकी सजा मिलेगी। गद्दारी से बड़ी सजा है कमजोरी की, इस जिंदगी के डर की जिसके चलते तूने हमें दगा किया। और तुम लोग इतना खर्चा खून पसीना, हमारी ट्रेनिंग पे खर्च हुआ, उसके बाद ये हाल है। एक कमजोर आदमी ना सिर्फ तुम्हें चकमा देकर भाग निकला बल्कि हमारे मिशन को नाकामयाब कर दिया। कैसे भाग? जवाब दो भाईजान। भाईजान वो
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में हमें बॉम्ब ब्लास्ट देखना पड़ेगा। शौर्य, वहां पे एक लड़का था, वो कैसे घूर रहा था, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती। कैसी अजीब सी चिढ़ थी उसकी आंखों में, जैसे हमने उसका कुछ बुरा किया। शौर्य, प्लीज मैक, मुझे इस वक्त किसी को याद नहीं करना। आज हम दोनों अपनी जान गंवा सकते थे। ये जो जिंदगी मिली है ना, इसको हम दोनों प्यार से क्यों नहीं जी रहे? जब से मिले तब से बस झगड़ ही रहे, एक दूसरे से लड़ ही रहे। लेकिन अब नहीं, खुद को देखो, क्या हालत बनाई है तुमने। जब से वापस आई हो बस दूसरों का ध्यान रख रही हो, खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हो। अपने कपड़ों की हालत देखो, अपनी हालत देखो। लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। विश्वास है कि माता रानी हर तरह के छल कपट से उसको बचाएगी। ये धोखा इन पापियों की जीत होगी। मां, तू उसका ये विश्वास नहीं तोड़ सकती। रक्षा कर मेरी बहन की। चक्कर आ रहे दिख नहीं रहा। शौर्य, आज नहीं आ रहा कुछ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे होश होश खो रही हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारे इलाज के लिए सिंगापुर लेकर जा रहा हूँ। अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं तेरा हीरो नहीं विलेन हूँ, तो तेरे सामने तेरी माँ की गर्दन काट दूंगा। नीव बार बार अपने चेहरे पर ही इशारा करके मुझे कुछ तो बताना। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। अच्छा, दी दो। तेजस्वी नहीं, राजवीर हारता नहीं, मारता है। तूने मेरे हर एक इरादे को नाकामयाब किया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। जान, इस बार तो आपका निशाना चूक गया। निशाना तो तुम्हारा भी नहीं लगा, शायद तुमने ध्यान दिया नहीं। आज मीडिया वाले तुम्हारी ढाल बनकर यहाँ नहीं खड़े। तो अब किस हक से मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने तो आपका नाम भी पहन लिया, अब किसी और हक की क्या जरूरत? अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं अपने साथ वकील लाई। बस आना चाहती हो लेकिन नाटक कर रही हो। कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस कर। तुम्हें पता है मैंने फोन पे क्या सुना है? जान की आंधी नहीं रही है कारण। मेरी माँ पे क्या बीत रही है तुम्हें पता है? और इस वक्त तुम्हें ये दिख रहा है कि कौन अच्छा कौन बुरा लग रहा है? I love you. मुझसे ज्यादा नहीं।